नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता एंड आप देख रहे हैं आयुर्वेदा रिवाइव। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब के बारे में, जो है अश्वगंधा। इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका प्लांट है, विशेषकर इसका मूल है, उसमें से अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी स्मेल, अश्व के समान स्मेल आती है। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है और इसका बॉटनिकल नेम होता है विद्यानिया सोमनीफेरा। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं अश्वगंधा के बारे में कि किन किन रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं, इसकी सेवन की सही विधि क्या होगी, आयु अनुसार इसकी लेने की मात्रा क्या होगी और किन किन कंडीशन में इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। और आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कीप वॉचिंग। अगर आयुर्वेद अनुसार इसके गुण देखें तो भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में बताया गया है कि अश्वगंधा अनिश्लेष्म श्वित्र शोचयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्ण अति शुक्रला। इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वगंधा जो है वो वात और श्लेष्म यानी वात और कफ, इन दोषों का बैलेंस करता है शरीर में। इसका जो रस होता है, टेस्ट होता है, वो तिक्त और कषाय है। तिक्त यानी बिटर, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। ये उष्ण होता है यानी गर्म तासीर का होता है। अगर हम डिजीजेस देखें जिनमें उपयोगी है तो ये श्वित्र यानी विटिलिगो ल्यूकोडर्मा इसमें उपयोगी है। शोथ बॉडी में कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो, ये उसको कम करता है। क्षय यानी वीकनेस, अब ये वीकनेस किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की हो, मसल वीकनेस हो, नर्व वीकनेस हो या फिर जनरल बॉडी वीकनेस हो, उसको भी ये कम करता है। अश्वगंधा है जो अंडर वेट है उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अश्वगंधा वेट को बढ़ाता है, पर इसकी खास बात ये है कि अंडर वेट को तो बढ़ाएगा, कभी ओवर वेट नहीं करेगा, हमेशा बैलेंस करके चलेगा। फिर बात आती है बल्या रसायनी। बल्य का मतलब होता है शरीर को बल देना। ये सभी ऑर्गन्स को बल देता है, मसल्स को बल देता है, नर्व्स को बल देता है। ये बहुत अच्छा नर्व टॉनिक भी है। रसायन का अर्थ होता है इम्यूनिटी, ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अंत में शब्द आते हैं अति शुक्रला, यानी ये अत्यधिक शुक्रल है। ये पुरुषों में शुक्र धातु को बढ़ाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ाता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करता है और स्पर्म की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जैसे ये पुरुषों में कार्य करता है, वैसे ही स्त्रियों में भी कार्य करता है। स्त्रियों में भी फर्टिलिटी को भी बढ़ाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बढ़ाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाएगा। ये स्त्रियों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी ट्रीट करता है। वाइड डिस्चार्ज PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो स्ट्रेस पे इसका बहुत अच्छा काम है, इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अवसाद, इसके पेशेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा निद्राजनक है। इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया विदेनिया सोमनीफेरा है। सोमनीफेरा का अर्थ होता है स्लीप इंड्यूसिंग। तो इनसोमनिया के पेशेंट, अनिद्रा के पेशेंट्स, उनको ये दिया जाता है। इसको आर्थराइटिस में भी यूज़ किया जाता है। ये जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग दोनों को कम करता है। अब जानते हैं कुछ कॉमन डिजीजेस, इनमें इसका उपयोग किया जा सकता है या नहीं। हाई बीपी में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये हाई बीपी पेशेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी का होता है, मूत्रल होता है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हार्ट डिजीज़ में इसका कॉम्बिनेशन अर्जुन के साथ किया जाए और फिर प्रयोग किया जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। डायबिटीज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअली डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन एक है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, क्योंकि बहुत अच्छा नर्व टॉनिक है और शरीर को बल देता है, नर्व्स को भी हेल्दी करता है, इसलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका अच्छा उपयोग माना जाता है। और भी हाइपोथायरायडिज्म के जो पेशेंट हैं उनमें अधिकतर वात और कफ की ही दुष्टि मानी जाती है, उन्हीं दोषों के कारण लक्षण रहते हैं। ये उन दोनों दोषों को बैलेंस करता है, इसलिए भी थायराइड के पेशेंट्स के लिए अश्वगंधा अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं इसके सेवन की सही विधि और मात्रा क्या है। चिकित्सा में इसका मूल का चूर्ण यूज होता है। इसकी चूर्ण की जो मात्रा है वो एडल्ट्स के लिए होगी 3 से 6 ग्राम, एडल्ट्स यानी 16 वर्ष से अधिक आयु वाले। जो 10 से 16 वर्ष की उम्र के हैं उनके लिए मात्रा आधी होगी, यानी 1.5 ग्राम से 3 ग्राम तक, और जो उससे भी छोटे हैं 5 से 10 वर्ष तक के, उनके लिए 1/4 मात्रा होगी। अगर आप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसका उपयोग करना चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह से ही करें। इसका सेवन अधिकतर मीठे दूध के साथ या घी के साथ मिलाकर किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उष्ण होता है, दूध और घी इसकी उष्णता को कम करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप दूध घी नहीं लेते हैं, आप वीगन हैं या फिर आपको मिल्क इनटॉलरेंस है या फिर आपको डायबिटीज़ है, आप शक्कर नहीं लेते हैं, तो आप सिंपल गर्म पानी से इसका सेवन कर सकते हैं या फिर काढ़ा बना के भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब जानते हैं इसको लेने का सही समय क्या है। अश्वगंधा लेने का सबसे अच्छा समय होता है खाली पेट, वो भी सुबह का टाइम। कब तक लेना चाहिए? इसके लिए आचार्य चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि आप अगर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, रसायन कर्म के लिए अश्वगंधा को लेना चाहते हैं तो आपको 15 दिन तक इसका सेवन करना चाहिए, अर्ध मास तक इसका सेवन करना चाहिए, वही मीठे दूध के साथ या घी के साथ। ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि अश्वगंधा जो है वो बलदायक है और वो ये समझ के महीनों तक इसका लगातार उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि आप 15 दिन तक भी इसका सेवन करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे अधिक आपको सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। और भी दूसरे रोगों के लिए भी आप चिकित्सा के अनुसार इसका सेवन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें और वो जितनी अवधि तक बताएं उसी अवधि तक इसका सेवन करें। अब जानते हैं किन किन कंडीशंस में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि उष्ण तासीर का होता है, गर्म होता है, इसी प्रेगनेंसी में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर अधिक गर्मी का मौसम है या शरीर में पित्त अधिक बढ़ा हुआ है तब भी इसका प्रयोग बिना चिकित्सक की परामर्श के ना करें। अगर आपकी कोई पहले से ही दवा चल रही है, हाई बीपी की हो, डिप्रेशन की हो, नींद की हो या कोई भी हार्मोनल थेरेपी हार्मोन हो, तब भी आप इसकी जानकारी चिकित्सक को अवश्य दें। बिना उनकी सलाह के, बिना ये बात बताए आप मन से इसका सेवन ना करें। तो आज हमने जाना अश्वगंधा के बारे में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आयुर्वेदा रिवाइव और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप वॉचिंग। धन्यवाद।